मसला नहीं है। मसला ये है कि NRO चल रहा था जिसके एक मुलजम ये बैठे हैं। इसके बाद करते खाने वालों की आई है नाम उस फेरिस्त में आपका नाम है, कैसे? क्योंकि अकबर अली भट्टी मरहूम जो है वो उनका कर्जा था बारिक्स लिमिटेड का, वो डिफॉल्ट कर गए, वो कंपनी मेरे पास आ गई, मुझे वो कर्जा देना पड़ा। तो आपका नाम फिर कैसे आया माफ कराने में? भाई मेरे ये जो किस्सा आया ना पंजाब बैंक का, नहीं वो माफ हुआ था, बताता हूँ ना, 75 लाख का कर्ज था, 95 लाख हमने पे किया है, कुछ सूद जो है उसमें माफ हुआ है, तो है ना माफी का खबर तो बनती है भाई, कायदे और जाब्ते के मुताबिक रिस्ट्रक्चर हुआ है। मैं ये नहीं कहता स्टेट बैंक के आपने के खिलाफ जाब्ता बात नहीं की है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि चूंकि माफी का मैंने तो लिया ही नहीं कर्ज, कर्जा था ये अब्बास अत्तर साहब रोजनामा पाकिस्तान के होते थे करता धरता। यार मेरे तो कई साल बाद है जब आपने इसको अपने खाते में डाला, मैं तो छोड़े हुए वो छोड़ के आप मुझे हर सबका जारी है, मुझे तो इनाम मिलना चाहिए कि मैंने कर्जा 5.5 करोड़ रुपया वापस किया है, वो कर्ज 5.5 करोड़ रुपया और लोगों के सैकड़ों लोग जो उनका रोजगार वाबस्ता है, ये रोजनामा पाकिस्तान की ये कंपनी है प्रिंटिंग कंपनी भारत लिमिटेड जिसने मशीन मंगवाई थी। शामी साहब देखिए आपकी बात तो हो चुकी है, अब मुझ पर भी इन्होंने कहा है कि ये मुलजिम है नैब के, नहीं तो आपसे पहले भी बयान कर चुके हैं। नहीं नहीं साहब मुझे बार बार आप बयान देने चाहते हैं, इसलिए बार बार अगर आप जिक्र करेंगे तो मैं बयान दूंगा। और मैं आप कहते थे मैंने कुछ सालसी की है, नहीं सालसी की मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये है के आर्बिट्रेशन एक्ट जो कि सालिसी को गवर्न करता है उसमें कानून यह है कि सालिस के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह कि इस केस में जिसमें मुझे शाह साहब भी मुलजिम कह रहे हैं और वाकई में मुलजिम था भी और हूं भी गालिबन अभी तक, उसमें यह था कि हाई कोर्ट ने एक हुक्म के जरिए मुझे एक केस में सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया और यह हुक्म दिया कि आर्बिट्रेटर का फैसला पार्टीज पे बाइंडिंग होगा, वो तो हमेशा होता ही बाइंडिंग होता है। तो ये तो आपका पुराना बयान है भाई, आप दोहरा रहे हैं बयान है ही वाकयात ये है, आप हर रोज वो बयान दोहराते रहेंगे आप जब तक ये कहते रहे मैं बयान, आप किसी ने पूछा है मसला इस वक्त ये है कि आप मुलजिम हैं या नहीं? हाँ मुलजिम नहीं, इनसे पूछो फिर पूछा है आपको, नहीं वो मुलजिम इस वजह से है कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक। अच्छा आदमी कोई हमारा नमे तहरीर भी था, आप तो खुद आदमी थे जनाब जो लिख रहे थे, वो जो फैसला लिख रहे थे सालिसी का, जिस जमाने में मुझे नैब का मुलजिम बनाया गया उस जमाने में जो नैब के चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद जिनका बड़ा तूती बोलता था, अब उनको भी पेश कर दिया लोगों ने, आपने कर्जा लिया, वो कहते भाई खुदा खौफी करो फौजी फाउंडेशन का कर्जा है मेरे खाते में। यार ये ऐसे ही करते हैं, ये अमजद साहब वही है आपको याद होगा जिनको आप प्लाट निकाला था काजी हुसैन अहमद ने और जिनकी वजह से कोर कमांडरों का नाम करोड़ कमांडर की इस्तलाह इजाज हुई थी, ये ऐसे ही अपने आप को अमजद साहब भी बरा रहे हैं। उनका प्लाट अलाट हुआ था ना, उनको अलाट हुआ था उसकी कीमत आपने बेचा था और कोई चक्कर था आपको याद होगा। हाँ जी हाँ जी, तो ये भी बड़े मतलब उनका था कैश पैसा चाहिए। हाँ जी, और ये है कि ये जो कर रहे थे जी NRO की हद तक तो ये है कि NRO बजाते खुद एक जुर्म है, ठीक है, उसके जो नीचे आए थे जिनके केस खत्म हुए हैं वो सही हो या गलत हो अभी तो ये तय ही नहीं हुआ कि NRO जुर्म था कि नहीं था, नहीं अब तक तो है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट बैठेगी और वो फैसला करेगी ये आईनी इकदाम था या गैर आईनी था। अच्छा। अब बहस होगी उसमें, सुना है कि अटॉर्नी जनरल साहब हुकूमत जो है ये मौकफ इख्तियार कर रही है कि ये आईनी था, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात है, अब वकील ही बताएंगे जब बहस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, कि सदर को हर सजा माफ करने का इख्तियार है, कत्ल के मुजरम जो है उनकी सजा माफ कर देता है, फांसी वालों की फांसी तोड़ देता है, तो जब हर सजा इंडिविजुअली माफ कर सकता है तो जिन मुकदमों में फैसला ना हुआ हो वो भी माफ कर सकता है कि नहीं, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो देर बहस आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सदर के पास ये पावर्स मौजूद है, मर्सी पिटीशन सदर मंजूर कर सकते हैं जब जब जुर्म साबित हो चुका हो उस वक्त, ठीक है, तो जब साबित ना हुआ हो वो इख्तियार है सदर के पास, इसी इख्तियार के तहत तो मियां साहबान की सजा मियां साहब की माफ करके उन्होंने भिजवाया। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हजूर, उम्र भर बहुत बड़ी, आप नहीं उम्र भर नहीं रहे, इतना जो आपने कमिश्नर भी रहा, नहीं नहीं असल में देखिए जो जब तक डीसी रहे तब तक तो थे, जो मजिस्ट्रेट का लफ्ज है ना उसमें सारा इंसाफ आ जाता है। सही बात है। आप ये बताएं मुझे कि जब ये पावर सदर ये बड़ी दिलचस्प बहस नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में? सब दिलचस्प, सुप्रीम कोर्ट में तो जाने वाला हर मुकदमा बड़ा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि उस पर बेइंतहा बहस होती है और उसमें इतने काबिल हमारे जज साहिबान हैं
वो उस पर अपनी दिमाग सोजी करते हैं, फिर उस आदमी को फैसला करते हैं जिसका इस मुल्क के मुस्तकबिल पे और इसके आइन पे सब पे असर होता है, तो वो तो दिलचस्प। देखिए शाह साहब, मैं आप भी जब हमने शुरू किया जर्नलिज्म, ये भी तकरीबन थोड़ा सा आप सीनियर हैं मुझसे और ये भी सीनियर है। अच्छा, मगर उस वक्त ये होता है जब कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जेर समात होता था, फिर उस पर किसी किस्म का बयान नहीं छप सकता था, कोई बहस नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती थी, बल्कि उस जमाने में हम सुनते थे कि जज अखबार भी नहीं पढ़ते। तो अब ये जो सूरत हाल है, अब तो ऐसा लगता है कि हम इतने टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे रहे हो कि ये फैसला करो। हाँ, हुक्म दे रहे हैं, हमारे वकील रहनुमा हुक्म दे रहे हैं, कोई एक किस्म का दे रहे हैं, कोई दूसरी किस्म का दे रहे हैं। तो और अब सुप्रीम कोर्ट के बयाप पे वो बोलते हैं नहीं, ये फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट को पहले तो इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये तमाम बहस बंद कर दी जाए टीवी पर अखबारात में। बड़ी अच्छी बात की आपने, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात की। एक बात हामिद साहब जो बहस करना चाह रहा था यहाँ, वो ये है कि आइन में हकूक और कयूद मुतय्यन है रियासत के मुख्तलिफ शोबों के, और मेरा बड़ा मुद्दिबाना इल्तमास तमाम रियासती शोबों से ये है कि वो आइन में फराहम करदा कयूद की पाबंदी करें और अपनी उनसे अपनी जुरिडिक्शन से तजावुज़ न करें। अंदेशा यह है कि बाद औकात रियासती इदारे अपने हद से आगे निकल के ऐसे मामलात में दखलंदाजी शुरू कर देते हैं जो आइन के मुताबिक उनके उनसे मुताबिक नहीं। ये तो बड़ी पेचीदा सी गुफ्तगु कर रहे हैं आप, पेचीदा नहीं बिल्कुल सीधी सी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अगर कर सकता है, अगर हम में इंतजार का हौसला हो जी, तो हम मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दें। हाँ बिल्कुल, और इंतजार करें कि वो क्या करते हैं। ठीक, ये जो टीवी मैं ये समझ, अब उससे पहले अपने फैसले जो जेर समात मुकदमात हैं हम उन पर, इसका मतलब यह है कि हम तो अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है, और अदालत को इन्फ्लुएंस करना ये उसका काम है, फैसला करे। इन्फ्लुएंस करना तो तौहीन अदालत है, तौहीन अदालत। यार जहाँ तमाशा ये लगता है कि अंदर आर्गुमेंट करके वकील आते हैं दोनों फरीकों के, वो आके बाहर ये सुना देते हैं हमने अंदर ये कहा, इनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, और ऐसी गुफ्तगु कर रहे होते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने फैसला नाफिज करना है। तो जब देखिए जी, ये जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था और ये हम कहते थे फौजी हुक्मरान है, और एक कंपेन चल रही थी जुडिशरी की बहाली की, उस वक्त तो चलो ये आप तजावजात हो गए, अब तो आपने अपनी हदूद में वापस आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, लेकिन आ गए हैं क्या? नहीं तो कैसे इसी तरह आएंगे ना, जब कोई लाएगा उनको, यानी मीडिया जो है हमारे भाई बंद, मीडिया लाएगा, हमें खुद भी चाहिए कि हम ये देखें तो सही कि हम सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है या हमने करके सुप्रीम कोर्ट को देना है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आप अब चूंकि मीडिया भी एक रियासती सतून की दर्द की हैसियत इख्तियार कर चुका है, मीडिया को खुद भी एहसास करना चाहिए कि उन्हें क्या बात करनी जेब देती है और क्या बात करना उनके लिए मुनासिब नहीं। ना तो मीडिया को और मौजूद दिए ना फिर आप, अब ये तो बड़ी ज्यादती है ना कि उनका जो इंतहाई पसंदीदा मौजू है जिस पर वो दिन रात लगे हर रोज रिपीट करते रहते हैं, बात आदी साहब मीडिया के लिए खत्म, कोई और मौजूद दे तो सब जान। हम मौजूद जो मीडिया के लिए होना चाहिए इस इन हालात में वो ये है कि किस तरह किस तरीके से कौमी यकजहती पैदा की जाए, किस तरह तरजीहात का सही तायुन हो और किस तरह पूरी कौम को उस तरफ लगाया जाए। ये तो आपने लफ्ज़ सतून इस्तेमाल किया ना मीडिया के लिए, मीडिया सतून नहीं है मौजूदा, जो है ये सिस्टम के नीचे एक बारूदी सुरंग है। मगर ये खुतबा ऐसा लगता है आप खुतबा जुमा दे रहे हैं आज मैं। हाँ जी नहीं, हजरत मौलाना जावेद कुरैशी साहब किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? फरमा रहे हैं बड़े अच्छे बच्चे बन जाओ, ये अल्लाह से डरो। शामी साहब, मैं हकीकतन कह रहा हूँ कि मेरी निगाह में इसके अलावा हमारे मसाइल का कोई और हल है नहीं, और ये हल तो फिर काबिल कबूल नहीं है। काबिल कबूल आपको नहीं होगा, लेकिन नहीं वो जो आपको करने वाला नहीं है। हाँ, मौलवी साहब की तकरीर सुनते हैं, ये मीडिया करते हैं, आ जाते हैं घर, तो ये मीडिया को चाहिए ना, ये मीडिया को चाहिए कि दिन रात एक ही बात अलापते रहे। वो हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं दूसरे हैं, वो कहते हैं जी दस्तूर पहले असली शक्ल में बहाल होगा फिर सारे मसाइल का हल होगा, हल निकलेगा और ब्रेक करेंगे तो फिर दस्तूर का को बहाल करते हैं। चले हजूर, अब बात यह है कि बाहर के मुल्कों में मतलब इंग्लैंड में लोग दिवालिया होते हैं, बैंक लोन्स होते हैं, उन पर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन वहाँ कभी ऐसा शोर नहीं, मतलब मुल्क की दौलत खा गए, लूट लिया, ये कर दिया। अब अमेरिका में यही नहीं हुआ है, कितने बैंक जो हैं वो बैठ गए और कितने 700 अरब डॉलर और आर्टिकल आया उन्होंने। हम तो सलमान शाह साहब आए हैं
लाइन पे, जरा इनसे पूछे चक्कर।